मोटो ब्लॉगिंग तीन तरीकों से होती है। पहला तरीका जिसमें आप एक वीडियो रिकॉर्ड करते हो अपने गोप्रो के जरिए मोटर बाइक के ऊपर बैठ के, और उसके बाद घर आके उस सारी वीडियो के ऊपर एक वॉइस ओवर रिकॉर्ड करते हो। ये एक बिल्कुल बेसलाइन तरीका, एमेच्योर तरीका, और मैंने ये तरीका किया हुआ है। दूसरा तरीका जिसमें आप गोप्रो के ऊपर वीडियो अलग बना रहे हो और अपनी ऑडियो यानी अपनी बातें वगैरह कहीं और रिकॉर्ड कर रहे हो, वो भी मैंने किया हुआ है। तीसरा तरीका जो ज़्यादातर मोटर व्लॉगर्स यूज़ करते हैं और वो आपके लिए ज़िंदगी आसान कर देता है, आपको मल्टीपल SD कार्ड्स, मल्टीपल बैटरीज नहीं संभालनी पड़ती, वो कोई एक्सटर्नल चीज़ यूज़ करना है जो आपकी ऑडियो को डायरेक्टली गोप्रो के अंदर रिकॉर्ड करवाए। क्योंकि मोटो व्लॉगिंग का मकसद ही है कि आप वीडियो के साथ साथ अपनी बातें कर सकें, आप जो कुछ डिस्कस कर रहे हैं वो आप वहाँ पर ऑडियंस को बता सकें, दोस्तों को, यारों को, बाकी बाइकर्स को आप सुना सकें, जो उस मोमेंट की एनर्जी है। ये है भाई गोप्रो का मीडिया मॉड। अब इसका मेरी जिंदगी में क्या काम है, क्या सिग्निफिकेंस है, और इतनी इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर मैं एक व्लॉग बना रहा हूं, तो इसकी बैक स्टोरी क्या है, ये कहां से आया, क्यों आया, और अब इसको मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा। पहली बात तो ये बता दूं कि ये एक गोप्रो का एक शेल है जो गोप्रो कैमरा है उसके ऊपर फिट आता है। साइड से लैच खुलेगी इसकी और इसके बीच में मेरा कैमरा फिट होगा। लेकिन अब एक छोटा सा इशू ये है कि इसके अंदर एक USB-C इनपुट है जो कि मेरा गोप्रो चार्जिंग के लिए इस्तेमाल करता है। अब ये जो चार्जिंग पोर्ट है USB का, USB-C वाला, इसके लिए आपको ये गोप्रो की लैच रिमूव करनी पड़ती है। गोप्रो ग्लास रिमूव कर दी, बैटरी, SD कार्ड और चार्जिंग पोर्ट एक्सेसिबल हो गया। आप इसको व्लॉगर्स केस के अंदर डालोगे और वो खुद ब खुद जो उसका USB-C वाला पोर्ट है वो कैमरा के अंदर बेगुस्सा भाई फिट हो गया उसके अंदर, और ये पूरा शेल इसका क्लोज्ड। अब ये एक व्लॉगर्स केस है जिसके अंदर एक फ्रंट माइक है, एक बैक माइक है, और मेरे पसंद की जो असल चीज़, इसके अंदर आपको डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी मिल रही है एक 3.5 mm ऑडियो जैक की। अब इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन से आगे ये बताना ज़रूरी है कि ये आया कहाँ से। पाकिस्तान में गोप्रो डायरेक्टली कुछ भी डिलीवर नहीं करता। यूजुअली हम लोग जब गोप्रो की कोई चीज़ मंगवानी होती है तो दुबई में ऑर्डर कर आते हैं, दुबई से पाकिस्तान को बंदा लेके आ जाता है, या अमरीका, शमरीका, UK, कोई जानने वाला उनके एड्रेस पर डिलीवर कराते हैं और वहाँ से आता है। अब मेरा कोई आ नहीं रहा था काफ़ी अरसे से, ना जर्मनी से, ना UK से, ना दुबई से, लेकिन जर्मनी में मेरा जान का टुकड़ा हारिस रहता है। मैंने हारिस को फ़ोन किया, हारिस साहब ने माशाल्लाह वहाँ पे ये ऑर्डर करा के अपने पास और वहाँ से मुझे वाया पोस्ट भेज दिया। हारिस थैंक यू, आपने मेरा ख्याल किया, आपने मेरे लिए इतनी आसानी की ज़िंदगी में। अब इसकी एक मैंने पहले अनबॉक्सिंग का सोचा था, लेकिन अनबॉक्सिंग में कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि पूरे डब्बे के अंदर एक ये केस निकला था और साथ ही दो इसकी एक लैच और एक उसका स्क्रू अटैचमेंट, बस दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं था, नथिंग टू सिग्निफिकेंट। तो भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मेरी ज़िंदगी में एज अ मोटो ब्लॉगर? थोड़ी सी टेक्निकल बात होगी, बोर नहीं होना, ज़रा सा समझने की कोशिश करो, एक मिनट में समझाता हूँ। जब आप वीडियो बना रहे होते हो तो वीडियो डिफरेंट फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से बनाई जाती है। 24 फ्रेम्स पर सेकंड सिनेमा स्टैंडर्ड, 30 फ्रेम्स पर सेकंड हमारे फोन्स का स्टैंडर्ड, 60 फ्रेम्स पर सेकंड जो हम हाइपर स्मूथ बनाते हैं, 120 फ्रेम्स पर सेकंड जब आप सुपर स्लो मोशन के लिए बनाते हो जो फोन्स वगैरह में आता है। लेकिन जब आप ऑडियो रिकॉर्डर्स यूज़ करते हो तो ऑडियो रिकॉर्डर हमेशा सिनेमा ग्रेड ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं और वो हमेशा 24 बिट्स में होता है, यानी वो 24 फ्रेम्स की वीडियो के लिए होता है। इससे पहले मैं जूम का एक एक्सटर्नल ऑडियो रिकॉर्डर यूज़ करता था, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ। ये रहा वो जूम H1N जो मैं एक्सटर्नल रिकॉर्डर के तौर पे यूज़ कर रहा था, और अनफॉर्चुनेटली फॉर मी ये बावजूद इसके कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये 24 बिट्स में रिकॉर्ड करता है। पर आर्ग्यूमेंट सेक अगर आप कहते हो कि आप 24 बिट पे गुजारा कर भी सकते हो और 24 बिट और 60 फ्रेम्स की वीडियो को आपस में सिंक्रोनाइज कर भी सकते हो, तब भी एक इशू ये आता है कि ऑडियो रिकॉर्डर का SD कार्ड, उसकी बैटरीज, उसका अपना साइज, आपको सब कुछ अलग मैनेज करना पड़ता है। जो आप रेगुलर मोटर ब्लॉग्स जब करना शुरू करोगे तो आपको आइडिया होगा कि बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो ये इससे बहुत बेहतर है कि आपके पास डायरेक्टली कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो आपको ऑडियो गोप्रो के अंदर ही रिकॉर्ड करके दे, और वो ऑडियो आपके हेलमेट के अंदर से रिकॉर्ड हो रही हो, बजाय ये कि आप बाहर विंड नॉइज ले रहे हो।
टेक्निकल डिटेल्स के बाद मैंने ये व्लॉग केस इसकी व्लॉगिंग वाली स्पेशलिटीज़ की वजह से नहीं लिया। मुझे इसके शॉटगन माइक्स भी नहीं चाहिए और ये जो इसका कोल्ड शू माउंट एक ऊपर दिया हुआ एक साइड पे दिया हुआ है उसकी भी कोई खास ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं जब हेलमेट के बाहर इस गोप्रो को लगाऊं तो मैं एक लावलियर माइक इसके अंदर डायरेक्ट कनेक्ट कर सकूं और वो मुझे हेलमेट के अंदर से ऑडियो रिकॉर्ड करके देगा इसी के फ्रेम रेट के ऊपर। मेरी वो रिक्वायरमेंट इंशाल्लाह पूरी हो गई है, हो जाएगी जब मैंने टेस्ट करना है। अभी तक टेस्ट नहीं किया, आज सोच रहा हूँ ज़रा गर्मी को बर्दाश्त करते हुए बाहर जाके थोड़ा सा टेस्ट करूँ। 32-35 डिग्री से ऊपर जब टेम्परेचर जाना शुरू होता है तो मेरे से बाइक नहीं निकाली जाती, फिर ज़रा थोड़ा दिल पे जबर रख के ज़बरदस्ती निकालनी पड़ती है बाइक, क्योंकि व्लॉग तो करने हैं, शौक़ तो पूरा करना है। तो आज मैं ये ज़रा व्लॉगिंग केस की इनॉग्रेशन सेरेमनी करने जा रहा हूँ। एक अदद वीडियो बनाते हैं इस पर व्लॉग केस को इस्तेमाल करते हुए, और उसके साथ ही कंपैरिजन के लिए मैं पिछले वाली वो जो मेरा मेथड था जूम ऑडियो रिकॉर्डर वाला, सेम माइक को उसी डिस्टेंस पे रख के एक ज़रा छोटा सा क्लिप मैं उस जूम रिकॉर्डर के साथ भी बनाऊंगा, कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं कि हम कितने पानी में हैं। देखते हैं कि अब इस एक्सटर्नल ऑडियो इनपुट के बाद हमारे व्लॉग्स की क्वालिटी कितना इंप्रूव हो सकती है। शर्मिंदगी ना उठानी पड़े बस। हाँ जी भैया, तो अभी इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही है हमारे व्लॉग की इसकी मीडिया मोड की, और मैंने छोटा सा मसला माइक के साथ आया था, वो मैंने अब ज़रा एक अल्टरनेटिव माइक जो मेरे पास आमतौर पर कैमरा को लगाने या जूम ऑडियो रिकॉर्डर को लगाने के लिए होता है वो वाला मोड मैंने लगाया हुआ है, सॉरी वो वाला माइक मैंने लगाया हुआ है। और वो माइक अब मैं चूँकि जूम के साथ नहीं लगा सकता अपने रिकॉर्डर के साथ, तो इसलिए मुझे बारी बारी दो क्लिप्स बनाने पड़ेंगे। पहले मैं इस पर मीडियम मोड पे बनाऊंगा ये जो लगा हुआ है, और उसके बाद मैं जूम रिकॉर्डर वाली वीडियो बनाऊंगा उसके साथ ऑडियो सिंक्रोनाइज करके दिखाऊंगा कि क्वालिटी डिफरेंस क्या है। अभी ऑनेस्टली मुझे खुद भी नहीं पता कि ये मीडियम मोड काम कर रहा है या नहीं, पता नहीं मैंने क्यों लगाया हुआ है बगैर टेस्ट किए, कोई घर पहले मुझे बैठ के टेस्ट कर लेना चाहिए था एक जगह पर। अभी मैं बाइक लेके तो निकला हूँ, पता लगे जब वापस घर पहुँचो पूरी वीडियो खामोश हो, लेकिन एफर्ट करके थोड़ा सा मैं देखने के लिए आया हूँ कि मेरे एक नए आइडिए की जड़ जो है वो नशोनुमा पा रही है या नहीं, और मैं कुछ आगे फ्यूचर मोटर ब्लॉग्स आराम से कून से बनाने के काबिल होंगे या नहीं। तो अभी मैं ज़रा DHA 2 की तरफ जा रहा था, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। DHA 2 की सड़कें ज़रा पुरसकून खाली होती हैं, DHA 2 में इसीलिए आते हैं, DHA वाले ना पुरसकून जगह बनाते हैं और उसमें आपको ड्राइव करने में भी टेंशन नहीं होती। बस एक थोड़ा सा मसला है कि जो फौजी अफसरान है ना वो बड़ा माइंड करते हैं यार ये शोर मचाने वाली बाइक कहाँ बीच में आ गई है, लेकिन फिर अगेन शुक्र की बात है कि DHA 2 में ऑलरेडी हमारे काफ़ी बाइकर्स रहते हैं, वो पहले ही काफ़ी गुलगपाड़ा मचा के रखते हैं, इसलिए मेरे आने से कोई इतनी ज़्यादा एडिशन होती नहीं है। खैर ओहो स्किटें मारी हुई किसी ने यहाँ सड़क पर। तो अब ये ऑडियो क्वालिटी जो है, मुझे एक तो विंड की टेंशन नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि विंड जो आती भी है वो लावलियर माइक का वो जो ऊपर फुल थ्रू लगा होता है ना वो डेड कैट फार टाइप की चीज़, वो विंड को कंट्रोल कर लेता है। मुझे पहले भी जूम के साथ ये टेंशन नहीं होती थी कि बहुत ज़्यादा विंड आएगी। मुझे ज़्यादा मसला ये है कि जो मेरा जूम है उसके अंदर कंट्रोलेबल गेन है, अगर मैं गेन को 4-4.5 पे रखता हूँ तो बड़ी अच्छी वीडियो बन जाती है, लेकिन GoPro के अंदर ऐसा सीन नहीं है, GoPro के अंदर गेन कंट्रोल कोई नहीं है। तो ये आज पहला एक्सपेरिमेंट इसीलिए है कि देखते हैं कि GoPro किस गेन पे मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है और उसके साथ किस गेन के ऊपर बाहर से बाइक की आवाज़ को कैप्चर कर रहा है, क्योंकि जूम के अंदर तो ये कोई भी अडेप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें अगर आपने 4.5 रखा है वो पूरा टाइम 4.5 रखेगा, चाहे आप बोल रहे हो चाहे साथ बाइक चल रही हो, दोनों का शोर मिक्स हो रहा होगा, तो उसमें थोड़ा सा ऑडियो लॉस मुझे फील होता है कि मेरी आवाज़ कम आती है बाइक की आवाज़ ज़्यादा आती है। बट अगेन वो मेरा अपना ओपिनियन है, देखते हैं बीच में घुसा दूँ बिल्कुल, देखते हैं कि क्या होता है हमारे साथ। अभी जाके हमारी फुटेज ज़ाया तो नहीं होती सारी, अभी मैं हाफ वे थ्रू जो है जूम चेंज कर लूँगा और फिर उसके बाद मैंने जाना है दुकान पे, क्योंकि काम का टाइम भी है और मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हूँ। फिर उसके बाद तसल्ली से बैठेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे और फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि क्या व्लॉग केस वाकई मेरे लिए बना हुआ है या वो सिर्फ GoPro व्लॉगर्स के लिए बना हुआ है। अच्छा, मैंने माइक की प्लेसमेंट एग्जैक्टली वही रखी है जिस जगह पर पहले माइक रखा हुआ था, वो हेलमेट के अंदर फिट किया हुआ मैंने अपनी तरफ से, बस मैंने रिकॉर्डर निकाल के अपना वो वाला ऑन कर लिया जूम रिकॉर्डर। तो ज़ाहिर है अब मुझे महसूस तो हो रहा है कि सिग्निफिकेंट फ़र्क आएगा ऑडियो क्वालिटी के अंदर, पहले जिस तरह की आवाज़ थी उससे काफ़ी डिफरेंट आवाज़ होगी, लेकिन जूम के साथ आवाज़ बहुत क्रिस्प हो जाती है, ख़ासतौर पर जब आप व्लॉग्स और सिनेमैटिक वीडियोज़ बना रहे हो ना, उसमें आपको जूम का ये बड़ा फ़ायदा होता है कि वो आपके कैमरा के साथ बड़ा अच्छा एक सिंक्रोनाइजेशन बना के उसके अंदर रिकॉर्ड करता है,
अंत किस्म की क्वालिटी पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, सॉरी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब मुझे चूँकि मोटो व्लॉग्स में ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे जो ऑडियो का इशू था जो मैंने बताया है वो रिजॉल्व करना था, इसलिए मैं दोनों को कंपेयर करके देख रहा हूँ। बाय फार आई थिंक के GoPro का जो अपना व्लॉग केस है वो जीत रहा है रेस। अभी मैं क्वालिटी देखने से पहले ये क्वालिटी सुनने से पहले ये बोल रहा हूँ, इसलिए कि उसकी एक्सेसिबिलिटी इतनी आसान है, वो आप सिर्फ अपने हेलमेट पे माउंट करो, डायरेक्ट माइक लगाओ, यू आर गुड टू गो। वो उसी की बैटरी यूज़ कर रहा है GoPro की, उसी के साथ अटैच है। प्लस अगर आपके पास अपना कोई पावर बैंक वगैरह है तो आप डायरेक्ट USB-C केबल अपने GoPro के अंदर, जैकेट के अंदर से तार निकाली, GoPro के अंदर चार्जिंग केबल भी लगा दी, तो आपका GoPro एक तरह से अनलिमिटेड बैटरी सप्लाई के साथ चलेगा। जब तक आपका SD कार्ड नहीं भरता तब तक आप छिको छिक जाओ भाई, इधर से खुंजराब पहुँचो। बेशक आपने बीच बीच में क्लिप्स बनाते जाने, बैटरी आखिर में जाके भी 100% में ही निकलेगी। और इसके बाद कुछ रह नहीं गया, मैंने सीधे जाना है अभी काम पे, रात को बैठ के वीडियो एडिट करेंगे, बाकी रिजल्ट्स आपको दिखाऊंगा, डिस्कस करूंगा, जो मसाइल हैं वो इंशाल्लाह हम फिर वक्त के साथ साथ रिजॉल्व करते रहेंगे। ज़िंदगी भी परेशानियों का नाम है यार। मैं जो GoPro के साथ कॉलर माइक ट्राई कर रहा था उसने काम ही नहीं किया, क्योंकि उसके 3.5 mm जैक के ऊपर 3 rings थे, वो फ़ोन और लैपटॉप्स के लिए बना होता है। मुझे 2 rings वाला चाहिए था जो स्पेसिफिकली कैमराज के लिए बना होता है। जितने भी उसके साथ के लावलियर माइक्स आ रहे हैं उनकी तार बहुत ज़्यादा लंबी है और मैंने तार को हेलमेट के अंदर छुपाना है, उसके लिए मुझे कोई छोटे साइज़ का लावलियर माइक चाहिए। और कुछ नहीं मिला तो मैं अपना पुराना लावलियर काट के और उसकी 2 तारों को जोड़ के आपस में और जुगाड़ करूँगा, लेकिन उससे मुझे डर है कि ऑडियो बहुत ज़्यादा लॉस होगी, क्योंकि जब आप इस तरह जुगाड़ू वाले जॉइंट्स बनाते हैं उसमें वैसे ही डाटा लॉस होना शुरू हो जाता है। तो अगर कोई और सोल्यूशन ना मिला तो ये लास्ट सोल्यूशन है तो सही, एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे, लेकिन अल्लाह ना करेगी इसकी तरफ जाना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सीइंग प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स। थोड़ा सा सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि जूम की ऑडियो क्वालिटी ऑब्वियसली बेहतर है, लेकिन फिर मैंने वो मसला डिस्कस किया कि जूम अगर आप रखना चाहते हो तो आपको 2 चीज़ें सेपरेटली मैनेज करनी पड़ती हैं, और सिर्फ वीडियो के साथ सिंक्रोनाइजेशन का मसला नहीं है बल्कि आपको आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें बर्डन महसूस होना शुरू हो जाती हैं, अलग बैटरीज, अलग SD कार्ड्स, एक हर वक्त आपकी जेब में रिकॉर्डर होना, प्लस जूम H1N के साथ जो गेन कंट्रोल का बटन है वो एक्सपोज्ड है, जेब में रखते निकालते मेरे साथ कई दफ़ा हो चुका है कि वो गेन खुद बहुत छिड़ जाता है और या तो आवाज़ बहुत लाउड हो जाती है या आवाज़ बहुत लो हो जाती है। इस वजह से फिर मैं ऑप्ट कर रहा हूँ कि इवेंचुअली GoPro व्लॉग के इसके ऊपर, मैंने तो पहले भी ये भी सोचा था कि जो सिंपल ऑडियो अडैप्टर होता है वो लगा लूँ GoPro के साथ, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा आसान लगी है, अल्टरनेटिव आसान है, इसको हेलमेट के ऊपर माउंट करना बड़ा ईजी है यार, सिंपल GoPro की तरह माउंट हो जाता है और आपको ऐसे लगता है कि आपने एक्स्ट्रा एडेड वेट भी नहीं लिया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा वजन है लेकिन वो इतना बुरा नहीं लगता जब आप एक दफ़ा यूज़ टू हो जाते हो उसके साथ, और होपफुली ये मैं भी यूज़ टू हो जाऊँगा इंशाल्लाह। बस यार एक छोटा सा एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट था मेरा, आई होप यू गाइज स्पेशली द मोटो व्लॉगर्स आउट देयर वो ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे, और ये को बहुत महंगी इन्वेस्टमेंट नहीं है अगर आप GoPro अफोर्ड कर सकते हो तो, ऑब्वियसली व्लॉग केस भी इतनी महंगी चीज़ नहीं है। अगर आप इन द लॉन्ग रन GoPro हीरो 8 रखना चाह रहे हो, ये अगले मॉडल्स के साथ काम नहीं करेगा, हीरो 9 के साथ उसका अलग व्लॉग केस आता है, इसलिए मैंने ये सोचा था चूंकि मैंने ये रखना है कुछ अरसे के लिए, इसलिए आई वुड लाइक टू ऑप्ट फॉर दिस। दुआ करो कि मेरा वो लावलियर माइक वाला इशू रिजॉल्व हो जाए, मुझे एक छोटी वायर वाला लावलियर माइक मिल जाए जो मैं हेलमेट के अंदर छुपा सकूँ इंशाल्लाह। उसके बाद आई एम गोना ब्रिंग यू गाइस अ लॉट मोर वीडियोस, कहीं ट्रैवल्स पे टूर्स पे जाएंगे, आपको दूर दूर की जगह भी इंशाल्लाह दिखाने लेके जाऊंगा, माय बाइक इज रियली कंफर्टेबल टू एक्चुअली गो ऑन टूर्स। तो बस मुझे उस वक्त तक के लिए इजाजत दें, अपनी दुआ में याद रखें, आप लोग मेरी दुआ में पहले से मौजूद हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।